हेलो एवरीवन, देखिए अब प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखो मतलब क्या है इसमें आपका, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल किया था, वही क्वेश्चन है इसमें। ये हमें पता है ये एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है। अब देखो इसमें फुटबॉल प्लेयर ने किक की बॉल को एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब ये बॉल इस तरीके से पाथ लिया होगा बॉल ने अपना या नहीं, ठीक है। और कितना वेलोसिटी कितनी दी है इसको हमने, 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि यू जो है वो कितना है 20 मीटर पर सेकंड का है। और किक्स अ बॉल एट एन एंगल थीटा, कितना एंगल 30 डिग्री विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ दिस, ठीक है। तो कितना एंगल है यहाँ पर, ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल है, क्लियर। तो कह रहा है एज्यूमिंग द बॉल ट्रेवल्स इन अ वर्टिकल प्लेन। अब ये क्यों कह रहा है ये वर्टिकल प्लेन का, क्योंकि आगे ये क्या कहता है, टाइम निकालने की बात कहता है। तो अगर आपको याद हो, जैसे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था तो वहाँ हमने वर्टिकल प्लेन ही कंसीडर किया था, याद है या नहीं, वर्टिकली अपवर्ड वाला जो है हमने कंसीडर किया था, ठीक है। अगर आपको याद हो s इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर लिया था हमने, और जिसमें हमने जो डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या हो गई थी हमारी, जीरो हो गई थी, बिकॉज यहाँ से ये चला और यहाँ पर ये आ गया। यानी कि अगर हम इसका वर्टिकल मोशन देखें तो यहीं से चला ये और यहीं आ गया। अगर वर्टिकली देखें तो ये इस तरीके से इसका जो है वाई एक्सिस ये गया ऊपर कोऑर्डिनेट्स और फिर नीचे आए। अगर इस पॉइंट पे देखें हम, यहाँ कुछ वाई होगा, इस पॉइंट पे देखें यहाँ वाई कुछ होगा, इस पॉइंट पे देखें यहाँ वाई कुछ होगा, और यहाँ देखें तो वाई अगेन यही है, जीरो ही है। तो समझ रहे हो, तो ये यानी कि क्या है, वर्टिकल वाला क्या हो गई थी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई थी, क्लियर। और यहाँ पर ये हमारा यू वाई बनता और ये वाला हमारा ए वाई, और यहाँ पर हमने इसको माइनस जी लिया था, क्यों, क्योंकि ये अपवर्ड मोशन लिया था, ठीक है। और यू वाई इसमें प्लस का ही था, क्योंकि ये हमारा क्या बनता है, यू वाई बनता है, और एक्स एक्सिस पे क्या बनता है हमारा, यू एक्स बनता है, दो कंपोनेंट में जब डिवाइड होता है। तो ये याद होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं आता तो पहले आप टॉपिक देख लो जहाँ पर मैंने ये सब निकाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सब, ठीक है। देखो अब इसलिए इसने यहाँ वर्टिकल प्लेन की बात करी है, और कोई यहाँ पर मतलब नहीं है इस बात का, ठीक है। ना भी लिखता तब भी हमें कंसीडर वही करना था। क्या कहता है ए पार्ट में, कहता है द टाइम एट विच द बॉल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है हाईएस्ट पॉइंट, क्लियर। हाईएस्ट पॉइंट पे टाइम बताओ क्या होगा उस टाइम पे। अब देखो ये हाईएस्ट पॉइंट वाला टाइम हमें बताना है, ठीक है। और हमें जो हमने सीखा है वो क्या सीखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीखा है। जैसे ये मान लो ओ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हमें तो टाइम ओ ए बी वाला पता है, वो हमें पता है। क्या होता है बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने निकाला था, जल्दी से बताओ उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, 2u साइन थीटा अपॉन में क्या था, g था। ये जो टाइम था हमारे पास, ये था पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ध्यान से समझना ये बात, ठीक है। अब खुद सोचो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, समझ रहे हो, तो ये चीज़ याद रखना, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा तो इसको यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही यहाँ से आने में टाइम लगता है। तो इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जितना है उसका हाफ यहाँ पर लगा और हाफ ही क्या लगा, यहाँ से मतलब ऊपर से नीचे आने में लगा, तब टोटल टाइम है ये हमारे पास। तो इसका मतलब अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दूँ और उसे 2 से डिवाइड कर दूँ, तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुँचा है जो बॉल है वो, उसका टाइम आ जाएगा, यही बात कह रहे हैं हम, ठीक है। समझ में आई कहानी, देखो याद रखना टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है जब तक वो हवा में रहती है बॉल, मतलब जहाँ से गई और जहाँ पर आई, वो वाला सारा टाइम होता है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक उसका क्या होता है, हाफ होता है, और यहाँ से नीचे आने में भी क्या लगता है, हाफ टाइम लगता है, क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक और बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो ये रेंज होती है, ये रेंज होती है ना पूरी की पूरी, वैसे एक बात समझ लो, ये पूरी रेंज होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। मैक्सिमम हाइट जो है, ये यहाँ है मैक्सिमम हाइट का ये पॉइंट है, इसके जो मिड में यहाँ पर ये क्या होती है हमारी, रेंज का हाफ होता है। मैक्सिमम हाइट जहाँ होगी वहाँ पर क्या होती है वो, उतनी रेंज क्या है उसकी, हाफ होगा। इतनी बात क्लियर, पूरी रेंज है उसका हाफ में होगा मैक्सिमम हाइट, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बात तो हमें यहाँ पर वैसी मैंने बताई है आपको, ठीक है। मेन बात आपको जो समझनी है वो क्या समझनी है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि जो टाइम लग रहा है हमें हाईएस्ट पॉइंट पे वो क्या लगेगा, वो टाइम क्या लगेगा हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। तो यानी कि ये 2u sin थीटा है, तो इसमें अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें 2 कट जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, u sin थीटा अपॉन में g बनेगा या नहीं बनेगा बताओ, कोई इसमें दिक्कत। तो यहाँ पर जो टाइम निकल रहा है हमारे पास ये u sin थीटा बाय g निकल रहा है, ठीक है। अब u कितना है हमारे पास, u इज 20 एंड साइन थीटा यानी कि साइन 30, और जी कितना है इसमें हमारे पास 10 हमें लेना है, कंसीडर करना है, तो 10 आ गया ये, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर ये हमारे पास साइन 30, साइन 30 की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या होती है हमारे पास, 1/2 होती है, ठीक है। तो 2 इंटू में यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कितना आ गया, 1 सेकेंड आ गया, बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें ये हमारा क्या हुआ है, ए पार्ट हुआ है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये आ गया 1 सेकंड। अब इसका डी पार्ट हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो वो कह रहा है द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन द एयर, यानी कि वो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा है,
टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा है, या तो ये फॉर्मूला लगाओ 2u sin थीटा बाय g, इससे निकल जाएगा, नहीं तो अभी अभी हमने u sin थीटा बाय g की वैल्यू तो निकाल ली है, ये u sin थीटा बाय g की 1 है तो इसमें 2 into 1 हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 2 सेकंड, नहीं तो यहाँ दोबारा से ये करो सॉल्व, नहीं तो आप शॉर्टकट लो, क्लियर है। बी पार्ट की बात करते हैं अब, इसमें मैक्सिमम हाइट रीच, मैक्सिमम हाइट रीच यानी कि अब h निकालना है, तो h के लिए जल्दी से बताओ जरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में था 2g, कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर ये सब फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं कैसे निकले हैं, u की वैल्यू बताओ क्या है 20 का स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 20, sin स्क्वायर थीटा यानी कि sin 30 और उसका स्क्वायर है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और 2 इंटू में ये आ गया 10, 0 से ये 0, ये 2 से ये 2 गया, 20 इंटू में ये कितना आ गया 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 4 5 20, तो कितनी आ गई मैक्सिमम हाइट 5 मीटर की आ गई बताओ, क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सी पार्ट देख लेते हैं इसका, सी पार्ट में क्या कहता है हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज का जल्दी से फॉर्मूला बताओ जल्दी से क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब ये ना कंफ्यूजन है, उसने कहा था वर्टिकल प्लेन ही करना है और हॉरिजॉन्टल रेंज में, तो हम कौन सा लेते हैं हॉरिजॉन्टल वाला लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज में तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगाते हैं, हम सिंपली करते हैं ना उसको, बताओ कैसे करते थे हॉरिजॉन्टल, देखो अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था स्पीड इंटू में टाइम, तो हम यहाँ लेते थे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम कितना लेते थे टाइम ऑफ फ्लाइट लेते थे, याद है, तो इसमें तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते ही थे कि अगर वर्टिकल प्लेन की कहानी भी सोच रहे हो, बच्चों के इस क्वेश्चन में ना इसी में कन्फ्यूजन हो जाती है यहाँ वर्टिकल प्लेन की, तो यहाँ तो ठीक है यहाँ पर वो सोचते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज में वर्टिकल प्लेन थोड़ी लगाना है, ये तो बस सही है वर्टिकल प्लेन थोड़ी लगे, वहाँ तो हॉरिजॉन्टल की कहानी होनी है, लेकिन वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगता ही नहीं है, तो उसकी ये बात यहाँ पर कंसीडर नहीं करते वर्टिकल प्लेन वाली, ठीक है। यू स्क्वायर कितना होता है जी 20 स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 20, अब साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 इंटू में 30 कितना हो गया 60 हो गया, साइन 2 थीटा है ना 2 थीटा, तो 2 इंटू में 30 कितना हो गया 60, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। अब देखो ये साइन 60 आ गया, अब साइन 60 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, और जी कितना है हमारे पास 10 है, ये इससे कट गया, कितना आ गया 40 इंटू में, और साइन 60 इज रूट 3/2 और ये कितना आ गया 20√3, तो 20√3 और 20 को मल्टीप्लाई कर लो 1.732 वैल्यू होती है इसकी, तो देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 1000 लग जाएगा, ये तरीका इनको सोल्व करने का, 1732 को 2 से करो, 2 2 4 2 6 2 7 14 और 2 1 2 और ये 3 3 4 6 4 आ गया और नीचे है 100, तो 100 हटाएंगे तो 34.64 मीटर की क्या आ गई इसकी रेंज आ गई, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई, बताओ इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन के अंदर, और डी पार्ट हम कर ही चुके हैं, द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन द एयर यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा है वो हमने यहाँ पर निकाल ही दिया है, ठीक है, क्योंकि ए पार्ट में उसने मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम पूछा था, तो मैक्सिमम हाइट पहुँचने का टाइम क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है, तो वही हमने किया था यहाँ पर 2u sin थीटा बाय जी होता है, इसको हमने ले लिया u sin थीटा बाय जी बिकॉज 2 से इसको डिवाइड कर दिया, समझते हो ना, ये तो करने की जरूरत तो नहीं थी यहाँ पे कि 2 लगाता 2 से 2 कटता, इतनी बात तो समझ में आती है आपको, ठीक है क्लियर है इतनी बात बताओ। क्वेश्चन 1 समझ में आया, क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं, देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, क्या कहता है क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, यानी कि देखो इसमें भी वही कहानी है, इस तरीके से बॉल ने अपना पाथ लिया, ठीक है ये ट्रेजेक्टरी हो गई इसकी, ये हमें पता है इस तरीके से कितने उस पर दिया है इसको u कितना इसका 28 मीटर पर सेकंड, और इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, ये हमारे पास u cos थीटा होता है और ये हमारे पास u sin थीटा, बिकॉज ये ux होता है और ये क्या होता है uy होता है, क्लियर है ना इतनी बात, तो ये क्या होता है u cos थीटा होता है, ये तो हमें बार बार पता है, और ये क्या होता है हमारे पास u sin थीटा होता है, ये चीज़ें तो हमें पता है बार बार, ठीक है ना, तो इसमें भी सिंपल है, एंगल दिया हुआ है हमें कितना 30 डिग्री थीटा दिया हुआ है, और कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, तो देखो सॉल्यूशन में जब हम चलते हैं इसके तो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है पहले, तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है जी 2g, ये याद हो जाने चाहिए फॉर्मूले आपको तभी फ़ायदा है इनका, u स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर 28 इंटू 28 लिख लिया, और sin 30 sin 30 का स्क्वायर करेंगे, sin 30 कितना होता है आपके पास sin 30 होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 1/4 बनेगा, और 2g अब इसमें g हम कितना लेके चलें, देखो इसमें हम लेके चलेंगे 9.8, यहाँ पर इसने बताया नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ जी कितना लेके चलना है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 9.8 लिखेंगे यहाँ, 9.8 पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे लगेगा, वो 10 मैं कहाँ लिख सकता हूँ ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है अब देखो सिंपल सॉल्व हो जाएगा ये 2 1 2 4 and 14 7 7 4 28 7 1 7 14 7 98 and 7 4 28 and 4 से ये 4 गया, कितना आ गया ये हमारे पास 10 मीटर आ गई इसकी मैक्सिमम हाइट, क्लियर मैक्सिमम हाइट मतलब ये पूछ रहा था आपसे मैक्सिमम हाइट, क्लियर ये चीज़ थी,
क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल नहीं है, बताओ क्या कहता है? द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी कि टाइम टेकन कितना लिया उसने टू द रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा है। और फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है इसका, 2u sin theta by g, तो कितना हो गया 2u, कितना है हमारे पास 28, और sin कितना हो जाएगा ये 30 अपॉन में कितना 9.8, तो 2 इंटू में 28 इंटू में sin 30 की वैल्यू 1/2, और 9.8 का पॉइंट हटाएंगे तो 10 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझते हो ना ये सब बातें? तो 10 नीचे लगेगा, वो ऊपर क्यों गया, ये सब बात को समझ में आ जानी चाहिए बातें। ठीक है, अब देखो ये हम कर सकते हैं 14 2 द 28 एंड 14 7 द कितना बना है आपके पास 98, तो ये कितना बन गया 10 2 द 20 20 बाय 7। अब 20 बाय 7 को करो जरा डिवाइड, 7 2 द 14 कितना बचा 6, 0 लगे तो पॉइंट आएगा, 7 7 द 49, 7 8 द 50 6 7 8 द 56, और कितना बचा यहाँ से 4 और ये 0, कितना आएगा 7 7 7 द 7 6 द 42 एंड 7 5 द 35 और ये 5 0 7 7 द 49, तो ये देखो ये आ रहा है आपका 2.857 सेकंड। क्लियर है इतनी बात? तो अब देखो जरा यहाँ क्या है आपके पास 5 है, और इसको हम अप्रॉक्सीमेट मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2.9 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ? बताया है मैंने आपको पहले भी राउंड ऑफ करना कैसे करते हैं, ठीक है, सिंपल सी कहानी है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में क्या कहता है, कहता है द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम वैल्यू। अब देखो इसमें ना डायरेक्ट नहीं आपको बोल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ या रेंज बताओ, आपको खुद समझना है। अब ये कह रहा है ना डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर, थ्रोवर यहाँ से हुआ है, क्रिकेट बॉल थी, थ्रोवर यहाँ खड़ा है, टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, यहाँ पर रिटर्न हुई है, तो मतलब ये चीज़ पूछ रहा है ना आपसे, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ये क्या होती है हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए भी आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, जल्दी से बताओ, यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन में जी होता है। साइन टू थीटा हम तोड़ भी सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा में, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा। देखो यू कितना है हमारे पास 28 है, तो 28 इंटू 28, अब साइन टू थीटा मतलब साइन 2 इंटू में वही सेम जो पहले हमने क्वेश्चन में किया, कितना हो जाएगा ये साइन 60, और साइन 60 कितना होता है रूट 3/2, तो ये आ जाएगा आपके पास रूट 3/2, एंड जी इज़ कितना है 9.8, तो पॉइंट हटेगा उसका, 10 हम नीचे लगाएंगे वो हम ऊपर लेके जा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? जा सकते क्या, लेके जाना ही पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ये वही है देखो 14 टू ज़ा 14 7 ज़ा एंड 7 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा कितना आ रहा है आपके पास 20 रूट में 3 आ रहा है, दैट इज़ 20 इंटू में 1.732 आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है, और ये यहाँ पर 2 भी था सॉरी, ठीक है 2 2 ज़ा 4 और ये 10 कितना आ जाएगा 40 आएगा। ठीक, तो ये भी आ गया 40, 40 इंटू में 1.732, इसको सॉल्व कर लेना आप, आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेट ये 69 के आसपास आएगा। ठीक है, करके देख लेना इसको, देखो कैसे मैं कर ही देता हूँ, 40 इंटू में 1732 था ना, पॉइंट हटाओगे 1000 लगेगा, एक जीरो से ये जीरो गई, 1732 को 4 से करो, 4 2 8 4 3 12 4 7 28 और 129 और 4 1 4 और ये कितना 6, तो ये आ गया आपके पास, और 100 है नीचे, ठीक है ना, तो ये 100 था। ठीक है, तो ये पॉइंट लग जाएगा, कितना आएगा 69.28, तो मैं इसको लिख देता हूँ 69.28 मीटर आएगा अप्रॉक्सीमेट, कितना आ रहा है 69 मीटर आ रहा है, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? बिल्कुल सिंपल थे ये दो क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे ना वो थोड़े धांसू क्वेश्चन होंगे, जिसमें मज़ा आएगा करने में, अगले 4 क्वेश्चन होंगे, 2 वीडियोस में कराऊंगा दो दो करके, लेकिन बड़े मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले हैं वो ध्यान से समझने आपको। ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले फिट करने थे और तो कुछ भी नहीं था इनमें, तो कर लोगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।